हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोगों को कल का क्लास जो था राजस्व से संबंधित या राजकोषीय नीति और बजट, बजट के प्रकार, ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। उसी के क्रम में हम जो बचे हुए पॉइंट है वो भी देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार आते हैं, तो इसको भी हम देख लेंगे। तो चलिए बच्चों, देखते हैं आज के बचे हुए पॉइंट को। और आज जो आपने मिली है भारत सरकार की नीतियां, यानी कि जो भारत सरकार है उसके पास कौन कौन सी निधियां हैं जो इम्पोर्टेंट है, जिसका सरकार उपयोग करती है, किस तरह से उपयोग करती है, चलिए देखते हैं बच्चों। और आज जो है आपका भारत सरकार की निधियां ये तीन प्रकार की है। एक है संचित निधि, एक है लोक लेखा निधि, और जो आपका तीसरा है ये है आकस्मिक निधि। तो ये सारी चीजें आप पॉलिटी में भी पढ़ेंगे, लेकिन चूंकि ये पैसे से संबंधित है, वित्त से संबंधित है, इसीलिए आपके इकोनॉमिक में भी आता है, और कभी कभी ये इकोनॉमी में भी क्वेश्चन बनते हैं, तो इसलिए हमें ये देखना है। तो चलिए देखते हैं कि क्या है ये संचित निधि। अनुच्छेद 266 फर्स्ट, ये याद रखेंगे, अनुच्छेद 266 फर्स्ट में भारत की संचित निधि का प्रावधान किया गया है। केंद्र सरकार की सभी राजस्व प्राप्तियां जैसे ट्रेजरी बिल्स, यानी कि जितनी भी प्राप्तियां हैं सरकार की, केंद्र सरकार की, वो सारी राजस्व प्राप्तियां किसमें जाती हैं? भारत की संचित निधि में जाती हैं। जैसे कौन सी है? ट्रेजरी बिल्स है सभी प्राप्तियों में। इसके अलावा ट्रेजरी बिल्स है जो सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। ट्रेजरी बिल्स क्या होता है, मैंने बताया आप लोगों को, सरकारी प्रतिभूतियां, यानी कि जब भी गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत होती है तो वो सरकारी प्रतिभूतियां जो है जारी करती है, जिसको आरबीआई खरीदता है, या दूसरे वाणिज्यिक जो बैंक है वो अपने यहाँ या सलाह के रूप में रखते हैं और सरकार को पैसे देते हैं। इससे सरकार को पैसे मिलते हैं और वो पैसे कहाँ जाते हैं? संचित निधि में जाते हैं, जिसका उपयोग सरकार जो है हमारे देश में अलग अलग क्षेत्रों में विकास के लिए करती है। तो इसमें ट्रेजरी बिल्स भी आएंगे और जितनी और राजस्व प्राप्तियां वो भी आएंगी। साथ ही आप देखेंगे इसमें जितने भी जो है सरकार के जो ऋण प्राप्त होते हैं वो, और दूसरे जो ऋण है अदायगी के माध्यम से सरकार के प्राप्त धन या इससे जमा किए जाते हैं। यानी कि इसमें क्या क्या है, एक तो टोटल राजस्व प्राप्तियां, जितने भी जो है कर है, जो टैक्सेस है, जिससे सरकार को पैसे मिलते हैं, वो सारे संचित निधि में आएंगे। दूसरा, जो सरकार द्वारा सरकारी प्रतिभूति या ट्रेजरी बिल्स जारी किया जाता है ये भी संचित निधि में आएगा। तीसरा, इसमें जो भी सरकार दूसरों को ऋण देती है, चाहे वो देश के अंदर हो और चाहे वो देश के बाहर हो, यानी कि हम अगर विदेशों से ऋण लेते हैं तो हम भी बहुत सारे जो गरीब देश है उनको भी ऋण देते हैं कम ब्याज पर। तो जब हम उन्हें ऋण देंगे तो हमें उनसे ब्याज मिलेगा, उस ऋण पर ब्याज भी मिलेगा। या फिर अपने देश के अंदर भी हम किसी को ऋण देते हैं या कोई गवर्नमेंट से ऋण लेता है तो गवर्नमेंट को उस पर ब्याज मिलता है, तो उससे भी जो प्राप्तियां होती हैं वो कहाँ जाएंगे? वो संचित निधि में जाती हैं। और ये 266 फर्स्ट में इसका उल्लेख है, अनुच्छेद 266 फर्स्ट याद रखेंगे आप लोग, ये जो है संचित निधि से संबंधित है। ये संचित निधि जो है ये क्या होता है कि यहाँ से जो जमा हो जाता है उसको प्राप्त करने के लिए सरकार को संसद की अनुमति की जरूरत होती है, यानी कि संसद द्वारा पारित कौन कौन से चीजें होंगी, विनियोग अधिनियम या अनुपूरक अनुदान संबंधित अधिनियम के बाद ही इस निधि से निकासी की जा सकती है। यानी कि ऐसा नहीं है कि पैसे जो आ रहे हैं गवर्नमेंट के पास राजस्व के द्वारा, ट्रेजरी बिल्स के द्वारा, कर अदायगी के द्वारा, कर ले करके, ये सब जो सरकार है जैसे चाहे खर्चा कर सकती है, जब चाहे जितना चाहे निकाल सकती है, ऐसा नहीं है। इन सारे जो है निधियों का या इस निधि से पैसा अगर गवर्नमेंट को निकालना होगा तो उसको बकायदा संसद से परमिशन लेना होगा, और संसद से परमिशन लेने के लिए उसे क्या करना होगा, विनियोग अधिनियम और इसके अलावा अनुपूरक अनुदान जैसे अधिनियम को लाना होगा, और जब वो संसद में पारित हो जाएगा तो गवर्नमेंट वहां से पैसे निकाल सकती है, यानी कि संचित निधि से उसे पैसे निकालने की अनुमति लेनी होगी, उसके बाद वो निकाल सकता है जब वो पास हो जाएगा। तो ये है आपकी संचित निधि जिसके द्वारा गवर्नमेंट काम करती है। आगे है आपका लोक लेखा निधि, इसको पब्लिक अकाउंट फंड भी कहते हैं, और इसको कहते हैं कंसोलिडेटेड फंड। जो पब्लिक अकाउंट फंड है ये कहाँ है, ये अनुच्छेद 266 दो में है, ये आपका 266 फर्स्ट में है, और ये आपका जो लोक लेखा निधि है ये 266 टू के तहत है, इसका प्रावधान किया गया है। संचित निधि से भिन्न सभी सार्वजनिक
की जो है एक तरीके से सरकार एक बैंकर या कस्टोडियन के रूप में सुरक्षा करती है या देखभाल करती है, यानी कि इसमें जो पैसे आते हैं उसका सरकार जैसे एक बैंक होता है आपके पैसे को अपने पास रखता है, जिसको जरूरत होता है उसको पैसे देता है और जो चाहे अपना पैसा ला करके रख सकता है। एक बैंक जो है सुरक्षा कर्मी की तरह वर्क करता है पैसे के मैटर में, ऐसे यहाँ पे सरकार करता है एक बैंकर के रूप में या कस्टोडियन के रूप में काम करेगा लोक लेखा निधि में, यानी कि लोगों की जो निधि है उसका सरकार यहाँ पे बैंकर है या कस्टोडियन है, जिसके लिए उसे संसद के अनुमति की जरूरत नहीं है। और इस निधि में कौन सी चीजें आती है, तो इसमें इसके अंतर्गत बचत बैंक भी जो आपका होता है बचत बैंक, जमा भविष्य निधि यानी कि जो भी आपका बचत बैंक के नाम पे लोग खुलवाते हैं जिसमें लोगों की इतनी बचत होती है सुरक्षित होती है वो, और दूसरा जो है जमा भविष्य निधि जो भविष्य के लिए लोग निधियां जमा करते हैं, डाक जमा जो डाक मतलब जो है खाने में जमा की जाती है निधियां वो भी इसमें आएंगी। साथ ही इसमें राष्ट्रीय लघु बचत निधि आती है, यानी कि ये सारी प्राप्तियां जो है वो इसमें आएंगी वो आपके लोक लेखा निधि में आएंगी। और ऐसी प्राप्तियां हैं जो सरकार की नहीं जो है होती बल्कि सरकार अपने पास दूसरों के लिए रखता है, यानी कि सरकार के पैसे नहीं है लेकिन सरकार इसे अपने पास दूसरों के लिए रखेगा जो बाद में लौटा दिया जाता है। जैसे जो बैंकों के पास आप पैसा जमा करते हैं वो पैसा बैंकों का नहीं होता लेकिन बैंक क्या करते हैं सुरक्षा की गारंटी देते हैं, कहते हैं ठीक है आप हमें हमारे पास अपना पैसा जमा कीजिए और इसके बदले में हम आपको थोड़ा सा मुनाफा देंगे, तभी लोग आपके पास तभी बैंकों के पास जमा करेंगे वरना कोई क्यों जमा करने जाएगा। दो फायदे होते हैं, एक तो वहां पे सुरक्षा मिलती है पैसे की और दूसरी हमें उसका कुछ ब्याज मिल जाता है जिससे हमें थोड़ा सा ज्यादा धन लाभ हो जाता है। और बैंकों को इससे क्या लाभ होगा, वो उस पैसे को दूसरे को दे देंगे जिसको जरूरत होगी वो अपना काम करेगा और उससे जो है टैक्स ज्यादा या कहीं उस पर ज्यादा ब्याज दे देंगे जिससे बैंकों को अतिरिक्त मुनाफा होगा और वो उसमें से कुछ हिस्सा मिला करके जो पैसा उसके जमा किया रहेगा उसे वापस कर देगा। यानी कि बैंक जो है वो बैंकर है, एक कस्टोडियन के रूप में पैसे को अपने पास रखते हैं, जरूरतमंद को देते हैं और जिसका रहता है उसकी सुरक्षा करते हैं। ये बैंकों का पैसा बिल्कुल भी नहीं होता, बैंक नहीं कह सकते कि आपने हमारे पास जमा कर दिया तो हमारा पैसा है, वो जनता का पैसा होता है वो सुरक्षा के लिए लाभ के लिए उनके पास रखता है। ऐसे ही ये जो पैसे हैं ये सरकार का पैसा नहीं है, ये सरकार के पास होता है लेकिन ये दूसरों के लिए होता है और सरकार इसका बैंकर या कस्टोडियन होता है, इसके लिए सरकार को संसद की अनुमति लेने की जरूरत नहीं होती है। ये है आपका लोक लेखा निधि अनुच्छेद 266। तो साथ ही आपका है आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि ये कहा है 267 में है, ये बहुत ही आसान है बच्चों, आप विधि के क्रम में है 266 फर्स्ट 266 सेकंड और आपका 267 के तहत आकस्मिक निधि की बात की जाती है। यानी कि जब भी जो सरकार है उसको आकस्मिक या अचानक किसी पैसे की जरूरत पड़ जाए, जैसे आपके घर में क्या होता है कि पैसे जो है वो ज्यादातर मम्मी रखती हैं और उनके पास जो है पैसे रखने का या जब जरूरत होती है तो वो देती हैं जब भी पापा कहते हैं या कोई भी, तो मान लीजिए अचानक से आपको मतलब जो है स्कूल में कुछ ऐसी जरूरत पड़ गई कि आपको पैसे की जरूरत है, ऐसे में आप जो है मम्मी घर पे उपलब्ध नहीं है तो आप घर के दूसरे मेंबर से रिक्वेस्ट करेंगे कि मम्मी जहाँ रखी है पैसा वहां से हमें थोड़ा पैसा दे दीजिए क्योंकि हमें भी जरूरत है, क्योंकि मम्मी तो अभी है नहीं या मम्मी का परमिशन अभी मिल नहीं सकता, तो चूंकि इमरजेंसी है तो आप हमें थोड़ा सा पैसा वहां से निकाल के दे दीजिए, हम अपना काम चलाए और जब पैसा मिलेगा तो हम वापस वहां पे रख देंगे या मम्मी को वापस कर देंगे इस टाइप से, या घर का दूसरा कोई मेंबर वहां से पैसे किसी और के माध्यम से ले ले। कुछ इसी तरह का होता है जो गवर्नमेंट के पास पैसे होते हैं उसमें से जब गवर्नमेंट को आकस्मिक जरूरत पड़ती है तो वो उसे निकालने के लिए संसद की अनुमति की जरूरत होती है, लेकिन चूंकि आकस्मिक जरूरत है और संसद से अनुमति लेना एक प्रोसेस है जिसमें समय लगता है तो उसके लिए वो क्या करेंगे, वो राष्ट्रपति से सिफारिश करेंगे और राष्ट्रपति वहां पे उन्हें जो है आकस्मिक निधि प्रोवाइड करेंगे या निकाल करके देंगे और बाद में जब अनुमति संसद की मिल जाती है या ये जो प्राधिकार है ये पूरा हो जाता है या जो गवर्नमेंट का काम है वो पूरा हो जाता है तो वापस वो संचित निधि से उतना पैसा निकाल करके आकस्मिक निधि में फिर जमा कर देते हैं, क्योंकि जो आकस्मिक निधि होता है ये आकस्मिक कार्यों के लिए होता है लेकिन उसे निकालने के लिए भी संसद के अनुमति की जरूरत होती है और जब सरकार को जरूरत होती है तो अनुमति लिए बगैर ही वो राष्ट्रपति की मदद से वहां से पैसे
खर्च कर लेता है, लेकिन पैसे खर्च करने के बाद संसद से अनुमति लेकर के वो संचित निधि से पैसा निकाल करके आकस्मिक निधि में फिर जमा कर देता है, ताकि आगे से जब भी उसे जरूरत पड़े तो फिर से आकस्मिक निधि से पैसे निकाल सके। वही सारी चीजें मैंने यहाँ लिखा है। अनुच्छेद 267 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि संसद सरकार की जो है प्राधिक मतलब जो है पहले से अधिकृत नाम में होने पर, यानी कि संसद की जो है अनुमति ना मिलने की स्थिति में वो क्या करेगा, राष्ट्रपति की मदद से निधि से पैसे अग्रिम रूप में प्राप्त कर लेगा। अग्रिम रूप में होता है कि जैसे ही हमें पैसे की जरूरत है तो हमें पहले से ही पैसा दे दीजिए, और जब हमारे पास पैसा आएगा तो हम आपको पैसा टाइम से लौटा देंगे, इसको अग्रिम मनी कहते हैं, या पहले ही हमें प्रदान कर दीजिए क्योंकि हमें जरूरत है, और बाद में जब पैसे मिल जाएंगे संचित निधि से तो हम आपको दे देंगे, आप जमा कर दीजिएगा आकस्मिक निधि में, इसी को कहते हैं अग्रिम। और ये राष्ट्रपति की मदद से जो प्रधानमंत्री है वो करते हैं, और जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति ऐसा करते हैं, यानी कि जब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से सलाह करेंगे या राष्ट्रपति से कहेंगे कि हमें पैसा दीजिए तो प्रधान जो राष्ट्रपति है वो देंगे, यानी कि राष्ट्रपति अपनी मर्जी से ये नहीं करते हैं, जब प्रधानमंत्री ऐसा कहते हैं तभी करते हैं। और वर्तमान में जो हमारा संचित निधि है वो 500 करोड़ है, ये भी इम्पोर्टेंट है, बच्चों ध्यान देंगे, वर्तमान की जो राशि है आकस्मिक निधि की ये 500 करोड़ है। ये है आपकी निधियां, इसमें याद रखना है आपको किस अनुच्छेद में है और कौन सी निधि में क्या प्रावधान है, क्या विशेषताएं है। ये आपका जो नेक्स्ट है ये है सरकार की प्राप्तियां एवं व्यय, यानी कि जो सरकार के पास इतनी सारी निधियां है, चाहे संचित हो, लोक लेखा हो, आकस्मिक हो, राजकोष हो, इन सब में पैसे कहाँ से आते हैं, तो वहां पे उन्हें कुछ प्राप्तियां होती होंगी, हमें वो प्राप्तियां देखना है। फिर जो सरकार पैसे पाती है उसे ऐसे रख तो देगी नहीं, उसे कहीं ना कहीं व्यय करेगी, तो वो कहाँ व्यय करती है उसे हम देखेंगे कि सरकार की प्राप्तियां क्या क्या है, इनकम के स्रोत क्या क्या है, और सरकार किन मदों में पैसों को खर्चा करती है, या जो निधियां आती है वो किस तरह से खर्चा किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, इसको देखना है। तो यहाँ पे देखेंगे सरकार की प्राप्तियां एवं व्यय, जिसमें दो प्रकार की है, एक पहला है राजस्व बजट और दूसरा है पूंजीगत बजट। राजस्व बजट में दो प्रकार का है, एक है राजस्व प्राप्तियां और दूसरा है राजस्व व्यय। राजस्व प्राप्तियों में क्या है तो आप देखेंगे इसमें कर राजस्व प्राप्तियां, पहला इसमें हेडिंग है कर राजस्व प्राप्तियां, और कर आप जानते हैं दो तरह के होते हैं, एक प्रत्यक्ष होते हैं एक अप्रत्यक्ष होते हैं, दोनों से सरकार को इनकम होता है और ये सारे राजकोष में जाते हैं। प्रत्यक्ष कर में क्या क्या है ये एग्जाम में आता है, इसमें आप देखेंगे आयकर है, इनकम टैक्स, निगम कर है, इसी को कॉर्पोरेट टैक्स भी कहते हैं, जो कि कंपनियों के ऊपर लगाए जाते हैं जहां से काफी पैसा सरकार को मिलता है। तीसरा है संपत्ति कर, चौथा है पूंजीगत लाभ और पूंजीगत लाभ कर, और इसके अलावा है अनुसंगी लाभ कर, प्रतिभूति लेन देन से जो लाभ होता है। ये सारी जो प्राप्तियां होती है गवर्नमेंट की सब प्रत्यक्ष कर है या प्रत्यक्ष लाभ जो गवर्नमेंट को होता है, इसको ध्यान देंगे। आय, निगम, संपत्ति और पूंजीगत लाभ के अलावा ये दो तीन आपके लिए नई चीजें, इसे भी ध्यान देना आपको। इसके अलावा अप्रत्यक्ष कर, इसमें क्या होगा, उत्पादन कर होगा, वस्तु एवं सेवा कर होगा, सर्विसेज एंड जो टैक्स है। इसके अलावा आपका है सीमा शुल्क, मनोरंजन कर, मूल्य संवर्धन कर जिसको बैट भी कहते हैं, और बिक्री कर। इतने जो कर हैं आपके बच्चों, ये आपका क्या है, अप्रत्यक्ष कर है, तो इम्पोर्टेंट है ध्यान देंगे प्रत्यक्ष कर में कौन कौन से कर आएंगे और अप्रत्यक्ष कर में कौन कौन आएंगे। ये है सरकार की जो है कर राजस्व प्राप्तियों के स्रोत, ये स्रोत आपको याद होने चाहिए। इसके बाद है सरकार का गैर कर राजस्व प्राप्तियां भी है, जहां से मतलब सरकार को बिना मतलब जो है गैर कर है यानी कि कर नहीं है, जिसमें आप देखेंगे सरकारी उपक्रमों से प्राप्त लाभांश तथा लाभ, यानी कि जो सरकार है बहुत सारे उपक्रम यूज करती है, जैसे सरकारी जो है हॉस्पिटल हो गए, सरकारी शिक्षा का जो है क्षेत्र हो गया, तो ऐसे बहुत सारे उपक्रम है जो सरकार अपने द्वारा स्थापित करती है, तो सरकार को वहां से भी कुछ फायदा होता होगा, हालांकि फायदा बहुत कम होता है क्योंकि ये बहुत सस्ते सेवाएं होती हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा लोगों को दी जाती हैं, लेकिन कुछ फायदा होता है। ये जो होगी इसमें आएंगे ये गैर कर में आएंगे, गैर कर प्राप्तियां हैं। इसके अलावा ब्याज प्राप्तियां, यानी कि जब भी जो सरकार है वो किसी को उधारी देगा तो उस पर ब्याज लेगा, तो उससे जो मुनाफा होगा वो क्या है, वो भी गैर कर प्राप्ति है। इसके अलावा शुल्क, अर्थदंड, यानी कि किसी के ऊपर अगर वो गलत काम करता है या नियम कानून के विरुद्ध जाता है
तो उसके ऊपर शुल्क लगाया जाता है। जैसे कर अदा करने में अगर टाइम लगाता है कोई तो भी शुल्क लगाए जाते हैं, या वो कुछ धोखाधड़ी करता है तो उसके ऊपर अर्थदंड लगाया जाता है। तो ये जो प्राप्तियां होती है ये राजकोष में ज्यादा है। साथ ही आपका करेंसी छपाई, यानी कि जब पैसा बहुत ज्यादा मार्केट में कम होने लगता है, जो पुरानी मुद्राएं हैं बहुत पुरानी होकर के डिस्ट्रॉय होने लगती है, तो मुद्रा की कमी हो जाती है, तो गवर्नमेंट क्या करती है नए पैसे छापने के लिए आरबीआई से कहती है। और ये जो होता है क्या है, गैर कर प्राप्तियां हैं गवर्नमेंट की। इसके अलावा टैक्साल से प्राप्त आय, और इसके अलावा आप देखेंगे कि अन्य विभिन्न स्रोतों से, मतलब इसके अलावा भी बहुत सारे छोटे मोटे स्रोत होते हैं जहां से गवर्नमेंट को जो है मुनाफा होता है या फायदा होता है। नेक्स्ट है आपका राजस्व व्यय। ये तो प्राप्तियां हैं राजस्व, और ये व्यय है। व्यय में क्या है, ब्याज भुगतान। सबसे ज्यादा जो हमारा पैसा इन्वेस्ट होता है या वेस्ट होता है वो ब्याज भुगतान में, क्योंकि हमारे पास ऋण बहुत है, यानी कि हमारे पास ऋण बहुत होता है। वर्ल्ड बैंक के, IMF के, ऐसे बहुत सारे विश्व के संस्थान हैं। इसके अलावा इंडिया में अलग अलग संस्थानों से भी सरकार कर लेती है, मतलब जो है पैसे लेती है उधार, और उस पर सरकार को ब्याज देना पड़ता है। जो हमारे इनकम का सबसे बड़ा स्रोत हम जो है इन्वेस्ट करते हैं वो ज्यादातर जो है ऋण चुकाने में करते हैं, और ये हमारे लिए बहुत ही मतलब एक तरीके से दुखद है कि हमें इतना ज्यादा ऋण देना पड़ता है। हमारे पास इतना ज्यादा इनकम नहीं हो पा रहा है कि हम बिना ऋण लिए काम कर सके। हालांकि इसमें भी राजनीति होती है, बहुत सारे देश जो इस तरह का ज्यादा ज्यादा ऋण लेते हैं ताकि जो वर्ल्ड बैंक है, IMF है, उन्हें लगे कि नहीं अभी भी यहाँ बहुत ज्यादा गरीबी है और उन्हें जो है फायदा मिले, ऐसी भी राजनीति करते हैं। लेकिन ऐसी राजनीति ज्यादातर जो बड़े देश है या जो कहीं की विकसित और जो है ज्यादा समझदार देश है वो इस तरह का काम करते हैं। तो यहाँ पे जो आपका ब्याज भुगतान है ये भी राजस्व व्यय में आएगा, साथ ही सब्सिडी, क्योंकि जो सब्सिडी है उससे सरकार को कोई फायदा नहीं है। वो सरकार के बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है अलग अलग मद में सब्सिडी देने में चला जाता है, चाहे वो किसानों के लिए हो या आम जनता के लिए हो, जिससे सरकार का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो पैसे कंपनियों को या ऐसे लोगों को देने पड़ते हैं जो उत्पादन का काम करते हैं, तो इसमें भी बहुत बड़ा हिस्सा व्यय होता है। और तीसरा है रक्षा व्यय। आपको बताया है रक्षा व्यय से भी हमें कोई फायदा नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य से हमें बहुत ज्यादा रक्षा व्यय पे खर्चा करना होता है। खास करके आप देखेंगे कि विश्व से सबसे ज्यादा हथियार जो आयात करने वाला देश है, उन देशों की श्रेणी में इंडिया दूसरे नंबर पे मोस्टली बना रहता है, यानी कि एक बहुत बड़ा अमाउंट हम दूसरे देशों से हथियार आयात करने में करते हैं, और ऐसे ही बहुत सारा पैसा हम अपने देश में बनाने में भी लगाते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है, कभी कभी हमारे लिए बहुत घातक भी सिद्ध हो सकते हैं। तो ये भी क्या है, अपने आप में बहुत बड़ा खर्चा है जो हम करते हैं रक्षा व्यय पर। अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स ना होती या कोई खतरा ना होता लड़ाई झगड़े का, तो एक बहुत बड़ा अमाउंट हम रक्षा व्यय पे बेवजह लगाने के बजाय अपने विकास में, डेवलपमेंट में लगाते। लेकिन एक अजीब सा माहौल बना रहता है हमेशा पूरे विश्व में अशांति का या डर का, जिसकी वजह से लोग अपने यहाँ अलग अलग तरह के हथियार और इस तरह की चीजें भी बनाते रहते हैं, जो हालांकि ठीक नहीं है। आगे चल करके इसके लिए हमें बहुत ज्यादा दुष्परिणाम ये देखने पड़ेंगे, लेकिन यह है इसे हमें पढ़ना है कि रक्षा व्यय भी राजस्व व्यय है। साथ ही राज्य का अनुदान, यानी कि जो केंद्र को पैसे मिलते हैं उसका एक बड़ा हिस्सा उसे अलग अलग राज्यों को अनुदान के रूप में देना पड़ता है, जिसमें आप देखते हैं बीमारू राज्य, फिर कुछ राज्य ऐसे हैं जो डेवलप है लेकिन कुछ राज्य हैं जो पहाड़ी है, तो उन राज्यों को भी सरकार अलग से मदद करती है। आप देखते हैं कि जो पहाड़ी राज्य है, पूर्वोत्तर के राज्य है, यहाँ पे जितनी भी योजनाएं चलती है गवर्नमेंट जो केंद्र की है वो 90% का योगदान देती है उसमें, और ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जो आज बहुत गरीब हैं, जैसे उड़ीसा है, मध्य प्रदेश के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, आपका झारखंड का कुछ ऐसा क्षेत्र है जहाँ आज कुपोषण और गरीबी, अशिक्षा, भुखमरी ऐसी चीजें बहुत ज्यादा है। तो ऐसे राज्यों को जो सरकार है बहुत ज्यादा अनुदान देती है, या सभी राज्यों को कुछ न कुछ वो मदद करती है, एक अपने बजट का एक हिस्सा ही जो है राज्यों को मदद करने के लिए जाता है, तो ये भी राज्य सुबह का एक हिस्सा है। साथ ही आप देखेंगे सामान्य सेवाओं जैसे पुलिस प्रशासन आदि पर व्यय, यानी कि जो सरकार है ऐसी बहुत सारी सामान्य सेवाएं भी जनता को उपलब्ध कराती है, जिसमें से एक पुलिस भी उदाहरण है, जो क्या है गवर्नमेंट जो है देती है, और ये सारे जो खर्चे हैं वो गवर्नमेंट के कोष से जाते हैं या केंद्र के द्वारा बहुत सारे जो है पुलिस या ऐसे सैनिकों का जो है नियुक्ति किया जाता है जो सुरक्षा का या कानून को सुचारू रूप से चलाने के लिए कार्य करते हैं, जिसमें सरकार को एक बड़ा अमाउंट खर्चा करना पड़ता है। तो ये सारी क्या है बच्चों, आपकी राजस्व व्यय है जो सरकार अलग अलग क्षेत्र में करता है, जिससे आप परिचित भी हैं। नेक्स्ट है आपका
पूंजी प्राप्तियां, ये तो हमारा राजस्व प्राप्तियां थी कि कर के रूप में और गैर कर के रूप में सरकार को कहां से फायदा मिलता है, ये है आपकी पूंजी प्राप्तियां। पूंजी प्राप्तियां में और क्या क्या है तो यहाँ पे देखेंगे, पूंजी प्राप्तियों में आंतरिक बाजार उधारी, यानी कि आंतरिक बाजार से जो हम उधारी लेते हैं वो पूंजी प्राप्ति में आता है। साथ ही विदेशी ऋण एवं सहायता, हमें विदेशी जो बैंक है, जो विदेशी संस्थाएं हैं, हम उनसे ऋण भी लेते हैं और कभी कभी हमें उनसे सहायता भी मिलता है। जैसे आप जानते हैं कि जो यूनेस्को है, ये पुराने जितनी भी इमारतें उनको संरक्षण देता है, उनकी मरम्मत के लिए पैसा देता है जो कि फ्री का होता है। या जो वर्ल्ड बैंक है, IMF है, ये कभी कभी सरकार को कुपोषण से लड़ने के लिए, शिक्षा का विकास करने के लिए, गरीबी को दूर करने के लिए, इन सभी के जो है चीजों को डेवलप करने के लिए पैसे देती है, जिससे जो भूखमरी है वो खत्म हो, लोग शिक्षित हो। तो ऐसी, या पोलियो को खत्म करना था तो भी वहां पे जो है सरकार को मदद मिल रहा था। तो ऐसी बहुत सारी सहायता भी, मतलब जो सहायता भी मिलता है हमारी सरकार को, सहायता के रूप में धन मिलता है, और जब उसका धन जो दिया जाता है वो सही रूप से सरकार उपयोग नहीं करती तो जो विश्व आर्थिक मंच है वो फटकार भी लगाता है और कहता है कि हम आगे से आपकी ऐसी मदद नहीं करेंगे, और अगर उसका सही उपयोग किया जाता है तो फिर से वो आगे और मदद करने का प्रयास करते हैं। तो एक तो वो ऐसे ही देते हैं मदद के लिए, और दूसरा हम अपनी जरूरतों के लिए भी उनके पास जाते हैं। जो देश विकासशील है लेकिन वो व्यापार घाटे में है वो IMF के पास जाते हैं, और जिन्हें अपने देश में कोई नई योजना लागू करनी है, विकास और डेवलपमेंट करना है, वो उधार मांगने के लिए वर्ल्ड बैंक के पास जाते हैं। तो हमारे पास जो पूंजीगत प्राप्तियां हैं उसमें विदेशी ऋण भी है जो हम विदेशों से लेते हैं, और साथ ही सहायता भी है जो विदेशी संस्थाएं या विदेशी लोग हमें मदद करते हैं। इसके अलावा ऋण वसूली, यानी कि जो हम दूसरों को ऋण देते हैं और उसको वसूल करते हैं तो उससे भी हमें प्राप्त होता है, ऋण वसूली से पूंजी प्राप्ति होती है। साथ ही विनिवेश, विनिवेश अभी बहुत ज्यादा चर्चा में था, मैंने आपको पढ़ाया भी है कि विनिवेश कितने प्रकार का होता है, सांकेतिक विनिवेश क्या है, विनिवेश क्या है, रणनीतिक विनिवेश क्या है। तो सरकार जितनी भी उसके सरकारी उपक्रम है जिसको सरकार चलाती है ताकि जो लोग हैं उन्हें सस्ते में सुविधाएं प्राप्त हो, तो जब इन उपक्रमों में सरकार अपनी जो है कुछ हिस्सेदारी या पूर्ण रूप से हिस्सेदारी को बेच देती है और उससे पैसे प्राप्त कर लेती है, यानी कि जो उसने निवेश किया था वो पैसा वो दूसरे से प्राप्त कर ले, उसको बेच दे, तो उसे क्या कहेंगे, विनिवेश कहेंगे। और जब ऐसा सरकार करती है तो उसे पैसे की प्राप्ति होती है, यानी कि ये भी पूंजी प्राप्ति का एक साधन है विनिवेश। इसके अलावा भविष्य निधि जमा, जो भी भविष्य के लिए पैसे जमा किए जाते हैं ऐसी निधियां भी पूंजी प्राप्ति में आती है। साथ ही पेंशन फंड, जितने भी पेंशन के फंड होते हैं जो लोगों को पहले दिए जाते थे वो फंड जो गवर्नमेंट के पास पड़े रहते हैं वो भी पूंजी प्राप्ति का साधन है। साथ ही अल्प बचत जमाएं ये भी हैं, लोक लेखा खाते की अन्य प्राप्तियां, सरकार द्वारा लिया गया आंतरिक एवं बाह्य ऋण, ये सारे क्या है, पूंजी प्राप्तियां हैं, चाहे सरकार आंतरिक रूप से ले या बाह्य रूप में ले, ये सब आपके पूंजी प्राप्तियों में आएंगे। कभी कभी एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछ में आ सकते हैं कि पूंजी प्राप्तियों में क्या क्या शामिल है, तो ऑप्शन में ये सारे ऑप्शन होंगे और इनमें से कोई ऑप्शन या तो आप देखेंगे इनमें से उठा करके दे दिया जाएगा, जिससे आपको कंफ्यूजन हो तो आपको पता होना चाहिए कि राजस्व प्राप्तियों में क्या क्या आता है और पूंजी प्राप्तियों में क्या क्या आता है, राजस्व व्यय में क्या क्या आता है और पूंजी व्यय में क्या आता है, ये कूट में क्वेश्चन अब बनने लगे हैं। तो इसलिए ध्यान देंगे बच्चों कि राजस्व पूंजी प्राप्तियां और पूंजी व्यय, पूंजी व्यय में क्या है, ऋण भुगतान, यहाँ पर भी देख रहे हैं आप ऋण भुगतान को बहुत ज्यादा वरीयता दिया गया है कि जब भी सरकार जो है ऋणों का भुगतान करती है, यानी कि किसी से ऋण लेगी तो कभी उसे देना भी पड़ेगा वापस, तो अगर लेगी तो उसे प्राप्ति हुई पूंजी की, लेकिन जब उसे वापस भुगतान करेगी तो पूंजी का व्यय होगा, तो ये पूंजी व्यय में आएगा। निवेश, यानी कि जब वो विनिवेश करेगी तो उसके बाद पैसा आएगा, पूंजी की प्राप्ति होगी, लेकिन जब वो निवेश करेगा यानी कि कहीं इन्वेस्ट करेगा तो क्या होगा, पूंजी का व्यय होगा। तो कभी कभी आप इसका अपोजिट करके भी देख सकते हैं, यानी कि अगर वो आंतरिक बाजार से उधारी ले रही है तो पूंजी की प्राप्ति हो रही है, उधारी दे रही है तो पूंजी का व्यय है, अगर वो विदेशों से ऋण और सहायता प्राप्त कर रही है तो पूंजी प्राप्ति है, और अगर वो ऋण दे रही है और सहायता दे रही है तो पूंजी व्यय है, अगर वो क्या कर रहा है, ऋण वसूली कर रहा है तो पूंजी प्राप्ति है, और ऋण की मतलब जो है वितरण कर रहा है या भुगतान कर रहा है तो क्या हो गया, ये जो है व्यय आपका हो जाएगा, पूंजी व्यय हो जाएगा। अगर विनिवेश कर रहा है यानी कि अपनी जो हिस्से
हिस्सेदारी है, उपक्रम में बेच करके पैसा प्राप्त कर रहा है तो पूंजी प्राप्ति है, और निवेश कर रहा है यानी कि किसी उपक्रम में पैसे लगा रहा है तो वो क्या है, पूंजी व्यय है। यहाँ पर भी ये है कि अगर वो शेयर खरीदेगा तो इसका मतलब क्या है, पूंजी का व्यय है क्योंकि उसको पैसे पे करने होंगे, लेकिन अगर वो शेयर को बेचेगा तो इसका मतलब वो क्या करेगा, पूंजी प्राप्त करेगा शेयर को बेच करके। तो अगर वो खरीदता है तो इसका मतलब क्या, पैसे दे रहा है तो व्यय है, लेकिन अगर वो बेच रहा है तो पूंजी प्राप्ति है। तो इसका आप अपव्यय बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। इसके अलावा भूमि भवन मशीनों और आदि उपकरणों पर व्यय, अगर इन सारी चीजों पर गवर्नमेंट व्यय करती है तो ये सब क्या हो जाएंगे, पूंजी व्यय में आएंगे। तो ये सब बहुत आसान है बच्चों, रटना बिल्कुल भी नहीं है, समझ सकते हैं आप लोग, क्योंकि ये सारी चीजें अनुभव करने से फील करने से भी याद हो जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि सरकार की प्राप्तियां क्या है और ये कितने प्रकार का है, दो प्रकार का है, इसमें प्राप्तियां है व्यय है, इसमें भी प्राप्तियां और व्यय है। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, एक एक पॉइंट ध्यान देंगे। आगे है आपका पूंजी प्राप्तियां क्या है, तो जो परिसंपत्तियों के विक्रय का फल हो, अर्थात इन प्राप्तियों सरकार की जो परिसंपत्तियां कमाने की, जब भी पूंजी प्राप्ति करेगा सरकार तो उसकी परिसंपत्ति कम हो जाएगी। कैसे, यानी कि अगर सरकार को पैसे प्राप्त करने हैं तो विनिवेश करेगा, तो सरकार के जितने भी संस्थान है या उपक्रम है वो उसके हाथ से निकल जाएंगे, तो पूंजी तो आ रही है लेकिन परिसंपत्तियां जा रही है। वो अपने ऋण पत्रों को बेचेगा, पैसे तो आ रहे हैं लेकिन उसके जो ऋण पत्र है वो तो जा रहे हैं, तो सरकार के पास परिसंपत्तियां कम हो जाएंगी लेकिन उसके पास पैसे अधिक हो जाएंगे। यही है पूंजी प्राप्तियां, यहाँ पे आप देख रहे हैं, जिसके कारण सरकार की व्ययता में वृद्धि होगी लेकिन जो उसका अपना परिसंपत्ति है वो खत्म हो जाता है पूंजी प्राप्ति में, या जो आपका राजस्व या पूंजी प्राप्तियां है। इसके अलावा मैंने सारी चीजें बताई थी आपको कि 1920-21 के दौरान ही जो रेलवे अर्थशास्त्री थे एडवर्थ ने, एडवर्थ महोदय जो है, इन्हीं की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी 10 सदस्यीय, जिसके सिफारिश पर 1924 में रेल बजट और आम बजट को अलग किया गया था और 2017-18 में इसे फिर से ज्वाइन कर दिया गया है। अब जो बजट है वो 1 फरवरी को पेश किया जाएगा और अब दोनों साथ साथ पेश किए जाएंगे। तो आई होप जो आपको आज का क्लास समझ में आया होगा, अभी बहुत सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को जानना है राजकोषीय नीति के बारे में। आगे और भी क्लासेस आप लोगों को मिलते रहेंगे, हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपको हर पॉइंट मिले, जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो सब आप लोगों को यहाँ से सॉल्व करने में सहायता हो, 60%+ क्वेश्चन आपको हमारे क्लास से मिले, हमारा पूरा प्रयास रहेगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।